अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा थैंक यू आप लोगों को एनिवर्सरी पे विश करने का, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने वीडियो को काफ़ी पसंद किया। और अभी तक हमने जो डेकोरेशन की थी वो भी नहीं हटाई है, क्योंकि बच्चों ने उस दिन शर्त रखी थी कि मम्मा आपको एनिवर्सरी पे हमें पिज़्ज़ा बना के खिलाना है। जैसे मैंने आपको दिखाया था, मुझे अपने देवर के यहाँ भी जाना था फंक्शन में, तो मैं वहाँ चली गई थी, तो टाइम बिल्कुल नहीं मिला था, क्योंकि सारी तैयारियों में इतना वक्त निकल गया था कि पिज़्ज़ा बनाने का मुझे वक्त ही नहीं मिला। और मैंने बच्चों से जो प्रॉमिस किया था कि मैं उन्हें पिज़्ज़ा बनाकर खिलाऊंगी, तो मैं आज वो पूरा करने वाली हूँ। और माहीन तो कई दिन से सही से खाना नहीं खा रही हैं, और जो माहीन का फेवरेट भी था वो भी अब उन्होंने खाना छोड़ दिया। और आज तो उनकी ये शर्त थी कि मम्मा अगर आपने शाम को पिज़्ज़ा नहीं बनाया तो मैं खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगी। तो बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो इतना स्ट्रेस नहीं देती हूँ, चलो उनकी फरमाइश पूरी कर देती हूँ। तो अभी मैं पिज़्ज़ा बनाने जा रही हूँ, जो जो करूँगी सब कुछ आपके साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और यहाँ पर मैं भी आपको नसीर को भी दिखाती हूँ। नसीर की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और उनको बुखार आ गया है। साथ साथ व्यूअर्स, जिसने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी बाकी वीडियोज़ को भी खूब इन्जॉय करिए। आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग प्लीज़ फंक्शन वाले ब्लॉग्स ही मत देखा करें, बाकी ब्लॉग्स भी देखा करें, वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो चलिए, रवेज़ यहाँ पर अभी नसीर सो रहे हैं और हयात भी उनके साथ सो ही रही थी। क्या हुआ नसीर, अभी तक बुखार कम नहीं हुआ है क्या? अभी भी ले है थोड़ा बहुत। और यहाँ पर हयात भी सो गई थी स्कूल से आके, बच्चों ने और अभी सोकर उठी हैं। तो बस अभी बच्चे पढ़ने बैठेंगे और मैं अपना किचन में उनके लिए पिज़्ज़ा रेडी कर रही हूँ। माहीन ने बिल्कुल खाना नहीं खाया, इसी वजह से आज बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर मैं उनके लिए पिज्जा बना रही हूँ। आ जाओ बेटा, अपना लर्न कर लो और मुझे जब तक लिख कर दिखाओ, मैं पिज्जा रेडी कर दूँ। आ जाओ। इसी के साथ साथ मैं आपको पिज्जा बेस दिखाती हूँ। मैंने आज मंगाए थे और जो मैं रेगुलर मंगाती हूँ वैसे वो बिल्कुल भी नहीं है, इस बार ज़रा से भी अच्छे नहीं आए हैं पिज्जा बेस। तो चलिए आपको सारी चीज़ें मैं दिखाती हूँ, पिज़्ज़ा की मैंने क्या तैयारियाँ करके रखी है। तो व्यूज़, यहाँ पर मैंने सारी वेजिटेबल्स काट ली हैं, आप पिज़्ज़ा के अकॉर्डिंग काट सकते हैं। मुझे यहाँ पर 6 पिज़्ज़ा बनाने थे तो मैंने ढेर सारी वेजिटेबल्स को कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया है, क्योंकि मैं पिज़्ज़ा थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ऑयल में प्याज को थोड़ा सा सॉटे करूँगी। अच्छा, आप लोग भी इस तरीके से पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप रॉ वेजिटेबल्स को ना डालकर, कच्ची वेजिटेबल्स पिज़्ज़ा पे ना टॉपिंग लगाया करें, ऐसे बनाएंगे तो और ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेती हूँ, उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक, काली मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है, क्योंकि बच्चों को मेरे वेजिटेबल्स थोड़ी सॉफ्ट अच्छी लगती हैं। तो इस तरीके से भी पिज़्ज़ा काफ़ी टेस्टी तैयार होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं मैंने पिज़्ज़ा की, और यहाँ पर मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर हमारे बेस आ गए हैं, बेस को मैं आपको दिखाती हूँ। माहीन दिखाना ज़रा, बेस इस बार बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिए उन्होंने, और आप देख सकते हैं इनके शेप कितना अजीब हो रहा है। तो व्यूज़, पिज़्ज़ा की पूरी रेसिपी मेरे चैनल पे है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। हाँ, अच्छे से स्प्रेड करो, और यहाँ पर हयात को भी करना है स्प्रेड सारी चीज़ों को। तो व्यूज़, यहाँ पर हयात को ये शिनचैन का फेस दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर माहीन भी अपना पिज़्ज़ा रेडी कर रही है। सब पिज़्ज़ा रेडी कर रहे हैं अपना अपना, और मैं सबकी वीडियो बना रही हूँ। तो मैं रेडी कर फिर आपको दिखाती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो यहाँ पर माहीन अपने लिए सॉस लगा रही है पिज़्ज़ा पर, और यहाँ पर अल्तमश भी लगा रहे हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर बच्चे बड़े शौक से सारी चीज़ों को रेडी कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि हयात भी बिज़ी हैं, माहीन भी बिज़ी हैं, और यहाँ माहीन लगा रही हैं मेयोनेज। आप बेस देख सकते हैं कितने अच्छे इनका शेप है, माशाल्लाह। तो यहाँ पर हमारा पिज्जा अच्छे से गार्निश हो गया है, और यहाँ पर मैं थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, और अभी मैं थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी जो मैंने अभी फ्रेश पीस के रखी थी। हयात, आप बेटा मुझे जल्दी से क्रिएटिव राइटिंग लिख कर दिखाओ। तो यहाँ पर हयात का विदाउट वेजिटेबल वाला है, और हम सबका वेजिटेबल वाला पिज्जा है, और कितना कलरफुल लग रहा है। तो चलिए अब हम इसे बेक कर देते हैं। अब खुश हो, पिज़्ज़ा बन रहा है? चलो अब खा लेना पेट भर कर खाना।
ऐसा लग रहा है कि इन्हें खाना देना बंद कर दिया। व्यूज आप देख सकते हैं कितनी पतली हो गई है माइन, और सब इन्हें कह रहे हैं कि माइन का वेट बहुत ज्यादा गिर गया है। व्यूज मैंने यहाँ पे प्लेट को ग्रीस कर लिया और ये लास्ट 16 साल से मैं बेक कर रही हूँ, मेरी शादी का था ओटी जी। तो चलिए बच्चे बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं इन्हें रेडी कर फिर उन्हें देती हूँ। तो व्यूज आप देख सकते हैं कि पिज्ज़ा बनकर कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो चलिए माइन को दे देती हूँ, माइन बहुत देर से वेट कर रही थी और यहाँ पर मैं इसे कटर से काट लेती हूँ। तो व्यूज आप देख सकते हैं कि मोज़रेला चीज़ भी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। हाँ हाँ आ रहा है, टेंशन मत लो, लो खाओ, बहुत इंतज़ार कर रही थी, अब पेट भर के खा लेना। अच्छा तो व्यूज ये बहुत परेशान कर रही हैं मुझे आजकल कि मम्मा मैं खाना नहीं खाऊंगी। और यहाँ पर हयात अभी अपना लर्न कर रही हैं, हयात का कल हिंदी डिक्टेशन का और क्रिएटिव राइटिंग का एग्ज़ाम है। और यहाँ पर माहीन अपना पिज़्ज़ा एंजॉय कर रही हैं। कैसा है माहीन, जल्दी बताओ, टेस्टी है? हाँ बेटा आपका मैंने रख दिया, अभी माहीन अप्पी का मैंने बना दिया। हाँ हाँ देखती हूँ मैं अभी टेस्ट करके। तो व्यूज़ यहाँ पर हयात का भी मैंने रेडी कर दिया है, चलिए देती हूँ हयात को भी। तो यहाँ पर हयात भी आ गई अपना खाने के लिए, और जब मैंने रखा अपना पिज़्ज़ा तो हयात लाइट चली गई। तो यहाँ पर हयात एंजॉय कर रही है अपना। व्यूज़ आज हयात को बहुत अच्छा लग रहा है पिज़्ज़ा, और क्योंकि ये विदाउट वेजिटेबल का है तो आसानी से हयात खा ले रही है। हयात कैसा रहा तुम्हारा पिज़्ज़ा, और टेस्टी लगा? साथ ही साथ हयात अपना एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रही है। अल्तमश का मैंने सबसे लास्ट में रेडी किया है क्योंकि अल्तमश को सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, मोज़रेला डालना बहुत पसंद है, म्यूनीस और काली मिर्च, तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भरकर डाली है उन्होंने। तो व्यूज़ यहाँ पर बच्चे अभी चेक कर रहे हैं आज का क्वेश्चन पेपर जो माहीन। हाँ अच्छा, ये मेरी तरफ से तुम रख लो। तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है व्लॉगिंग के साथ साथ बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि बच्चों को स्टार्टिंग से, जैसे मैंने हमेशा बताया, खुद पढ़ाया है तो बस मैं बच्चों को हमेशा खुद ही पढ़ाती हूँ। तो मैं उनका क्वेश्चन पेपर चेक कर रही थी कि आज माहीन का एग्ज़ाम कैसा गया। क्या आपको 500 का नोट टेबल के ऊपर रखा हुआ था? अच्छा तुम रख लो मेरी तरफ से। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। तुम अच्छा तुम अभी आइसक्रीम कह रही थी ना खाने के लिए, इससे आइसक्रीम खा लेना ठीक है। हाँ ये आप ही रख लो। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे मजाक भी कर रहे हैं, और मुझसे हयात कह रही मम्मा आपका 500 का नोट गिर गया था, मैंने कहा इनसे तुम रख लो, चीज़ खा लेना। अभी भी खाना खाकर या ब्रेकफास्ट कर कुछ नहीं जा रही हैं, और मैं ज़बरदस्ती इन्हें अंडा, मैंने इनका फेवरेट है वो बना कर दिया, लेकिन फिर भी खाने को तैयार नहीं है। क्यों माहीन, क्या करना है तुम्हें अपना? तो व्यूज़ आप लोग इन्हें बताइए कि खाना खाना कितना ज़रूरी है, और जबकि ये पढ़ाई करती हैं तो इन्हें तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ की ज़रूरत है। हाँ देखो हयात भी कह रही है अब तुमने पिज़्ज़ा खा लिया अपना फेवरेट, अब तुम लंच डिनर सब कुछ अच्छे से करोगी। अल्लाह हाफिज़। चलो अच्छे से पेपर देना ठीक है। व्यूज़ अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, मैंने सुबह का भी क्लिप आपके साथ शेयर करा, बच्चे स्कूल गए थे और उनका एग्ज़ाम हो रहा है। अभी बच्चों के बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम बचे हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा बिजी होना है, और कल मैंने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बनाया था वो भी क्लिप्स आपके साथ मैंने शेयर करे। अभी मैं आपको बिहाइंड द सीन के भी कुछ क्लिप्स हैं वो शेयर करूँगी, तो आप लोग इन्जॉय करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप मेरे और भी बिहाइंड द सीन्स के क्लिप्स देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बाकी वीडियो की तरह भी आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ अपनी एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ और यहीं से मैं अपना नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले अभी तक डेकोरेशन नहीं हटाई है बर्थडे की, क्योंकि बच्चों तो व्यूअर्स ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि अगर ये पिज़्ज़ा बेस अल्तमश लेकर आते हैं तो अल्तमश की बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली थी। डायलॉग होते और अभी